हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिया त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, एक नई बायोग्राफी जो कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के ऊपर है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म बंबई के एक छोटे तथा पवित्र स्थान बालकेश्वर नामक ग्राम में एक उच्च ब्राह्मण घराने में 10 अगस्त सन 1860 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इनके माता पिता संगीत के विशेष प्रेमी थे, अतः बाल्यकाल से ही इनको गाने का शौक पैदा हो गया था। अपनी माता के श्री मुख से भी जो भी सुनते थे उसे उसी प्रकार नकल करके गा देते थे। इतने छोटे बालक की संगीत में विशेष रुचि देखकर माता पिता को अनुभव हुआ कि इस बालक को संगीत की ईश्वरीय देन है। जिस विद्यालय में पंडित जी शिक्षा प्राप्त करते थे उसमें उन्होंने अपने गीतों के द्वारा सबको आकर्षित कर लिया। इन्होंने सितार तथा ध्रुपद शैली का गायन भी सीखा। सन 1885 में इन्होंने BA की उपाधि प्राप्त की और उस समय एक स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। सन 1890 में LLB की परीक्षा पास करने के बाद वे कराची चले गए और वहां वकालत प्रारंभ की, किंतु किन्हीं कारणों से वहां सफलता नहीं मिली। बंबई पहुंचकर छोटी अदालतों में वकालत करने लगे। यहाँ पर भारतीय संगीत कला के प्रसिद्ध कलाकारों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। सन 1904 में आपकी संगीत यात्रा आरंभ हुई। बड़े बड़े नगरों के पुस्तकालयों में संगीत संबंधी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। सबसे पहले दक्षिण की ओर भ्रमण किया। वे मद्रास, तंजोर, मदुरा, रामनाडु, रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम, त्रिचनापल्ली, मैसूर, बेंगलोर इत्यादि स्थानों में गए। दक्षिण में पंडित वेंकट मक्खी के 72 थाटों का अध्ययन किया। दक्षिण में एटापुरम में पंडित सुब्रह्मा से मिले तथा दक्षिण मेलकर्ता पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसमें से 10 थाट छांटे तथा हिंदुस्तानी रागों का उसमें विभाजन कर दिया। उत्तर भारत में उत्तरी संगीत पद्धति की विशेष जानकारी प्राप्त की। कई भाषाओं में इनका प्रभुत्व था, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगाली, फारसी, तेलुगु इत्यादि। अध्ययन करने के बाद इन्होंने लक्ष्य संगीत नामक ग्रंथ की रचना सन 1910 में की। इसमें अपना नाम चतुर पंडित रखा। अभिनव राग मंजरी की रचना सन 1921 में विष्णु शर्मा के नाम से की। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की रचना 4 भागों में की। पहला भाग सन 1910 में, दूसरा और तीसरा भाग सन 1914 में और चौथा भाग सन 1932 में प्रकाशित हुआ था। ये पुस्तक प्रश्न उत्तर शैली में है। उन दिनों उत्तर भारत में राग रागिनी पद्धति प्रचलित थी। बहुत से बड़े बड़े संगीतज्ञ जो गाना तो अच्छा गाते थे लेकिन स्वयं उन्हें ये मालूम नहीं होता था कि ये गाना कौन से राग का है और इनमें कौन से स्वर लगाए जा रहे हैं। ये देखकर पंडित जी ने दक्षिण की जनक राग थाट प्रणाली का प्रचार किया और संगीत को क्रमबद्ध बनाया। सभी रचनाएं स्वर लिपिबद्ध करके क्रमिक पुस्तक मालिका नामक पुस्तक जो 6 भागों में है प्रकाशित की। सब रागों का थाटों में विभाजन करके उसका विवरण दिया। ये नई स्वर लिपि शैली आसान तथा शीघ्र समझ में आने वाली है। इसमें ख्याल, ध्रुपद, धमार, सादरा, तराना आदि निबद्ध रचनाएं सम्मिलित हैं। इनका प्रकार 1939 में का 1920 में, दूसरी 1921 में, तीसरी 1922 में, चौथी 1923 में, पांचवी और छठी 1900 हुआ। 1910 में इनकी 2 पुस्तकों गीत मालिका और स्वर मालिका का प्रकाशन भी हुआ। इनकी पद्धति रागांग पद्धति है, यानी रागों का विभाजन रागों के अंगों के अनुसार किया गया है। उदाहरण के लिए काफी थाट में निम्नलिखित रागांग उन्हें दिए हैं: धनाश्री अंग, कानड़ा अंग, सारंग अंग, मल्हार अंग, काफी अंग और बागेश्री अंग। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में पहले गायक थे जिन्होंने राग में पकड़ अंग का निर्माण किया।
उनका राग विवरण क्रम के अनुसार था। उन्होंने ही राग वर्णन के लिए उठाव, चलन, पकड़, आरोह, अवरोह आदि का प्रयोग किया। उनके दिए हुए समय सिद्धांत भी बहुत महत्व के हैं। इन्होंने अपनी पद्धति में 12 स्वर ही माने हैं, किंतु इन्होंने व्यवहार में स्वरों के सूक्ष्म अंतर का प्रयोग भी किया है। पंडित भातखंडे ने लगभग 123 स्वर मालिकाओं की रचना भी की है। इन्होंने स्वयं भी कई गीतों की रचना की है। लक्षण गीत शैली में 250 लक्षण गीत रचे हैं। कुछ साधरे, ध्रुपद, मध्य लय, ख्यालों की भी रचना की है। अप्रचलित राग तथा ताल की रचना करने का भी प्रयत्न किया है। इनकी एक रचना राग शंकरा में वसंत ताल में है, एक और रचना ब्रह्म ताल में भी है। राग मेघ रंजनी, श्री रंजनी और देव रंजनी में भी रचनाएं हैं। 20 के लगभग रचनाएं संस्कृत भाषा में भी हैं। राग चंद्रिका सार, राग कल्प द्रुमाकुर के रचयिता अप्पा तुलसी जैसे कुछ लेखकों को संगीत तथा संगीत पर पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। पहला संगीत सम्मेलन 1915 में बड़ौदा में उन्हीं की कोशिशों का फल है। इसके बाद 1918 में दिल्ली में, 1919 में बनारस में, 1924 में लखनऊ में संगीत सम्मेलनों का आयोजन उन्होंने किया। संगीत की उन्नति तथा प्रचार के लिए कई जगह म्यूजिक कॉलेज स्थापित किए, जिसमें लखनऊ का मैरिस म्यूजिक कॉलेज, जो आजकल भातखंडे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से प्रसिद्ध है, ग्वालियर का माधव संगीत विद्यालय तथा बड़ौदा का म्यूजिक कॉलेज उल्लेखनीय है। सन 1933 में उन पर फालिस गिरा, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। 3 वर्ष तक रोगशैया पर पड़े रहने के बाद फालिस से ही 19 सितंबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू। ये थी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की बायोग्राफी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब